चलिए, प्रत्याशी मांडर के उपचुनाव में हमारे साथ देव कुमार धान मौजूद हैं। देव कुमार धान जी से सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों AIMM का जो है समर्थन इनको मिला है और जो सुशील लकड़ा उन्होंने अपने नामांकन वापसी ले लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार मांडर के चुनाव में? निश्चित रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये चुनाव मैं खास रूप से जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और इसमें आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदाय और जो है हिंदू समुदाय, ईसाई समुदाय, सारे समुदाय का जो है समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे समर्थन में AIMIM देखवे किए, वो अपना उम्मीदवार वापस लिया है और हमको समर्थन किया है, तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि वहाँ हम लोग ये सीट हम निकालेंगे। हाँ जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा 1932 खतियान को लेकर है, खतियानी पार्टी भी वहाँ अपने कैंडिडेट दिए, वैसे में क्या मानते हैं इस मुद्दे को? हाँ, निश्चित रूप से ये मुद्दा तो झारखंडी लोगों के लिए, हाँ निश्चित रूप से ये हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा कि ये झारखंडी बना है यहाँ के खतियानी लोगों के लिए, तो उनको तो हक मिलना ही चाहिए। जब झारखंड बना है तो खतियानी पार्टी तो अपना प्रत्याशी दे दिया, ठीक है उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि जनता जो खतियानी पार्टी को देता है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि मूल झारखंडी का पहचान 1932 का खतियान, मैं जब मंत्री था बिहार में उस समय मेरा ही पहला नारा था। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि AIMM को जो है BJP की बी टीम कही जा रही है, तो वैसे में क्या मानते हैं कि आप BJP को नुकसान या फायदे पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और इसमें ना BJP को फायदा होने वाला है ना कांग्रेस को, सिर्फ और सिर्फ फायदा हमें होने वाला है, इसलिए 26 तारीख को हम लोग बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान, जो कि जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हालांकि कई सारे बात जो है अटकलें लगाई जा रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई देव कुमार धान पर नहीं किए हैं, यह कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। दूसरी तरफ AIMIM को BJP की बी टीम कही जाती है, लेकिन मुख्य जो बातें यह है कि जो मेन जो देखी जा रही है प्रतिद्वंदी, वह है BJP और कांग्रेस मांडर के उपचुनाव में, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये तीसरी पार्टी कितना दमखम दिखा पाती है। वैसे तो कई सारी पार्टियां अपनी जो है किस्मत आजमा रही है मांडर उपचुनाव में, खतियानी जोहार पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है 1932 खतियान के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इनको क्या कुछ वहां से समर्थन मिलता है। लाइव लगातार के रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।